जय हिंद दोस्तों, आपके सब आप अच्छे होंगे सब। आज की जर्नी होने वाली है इंदौर से कोटा के बीच में न्यू दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया रतलाम वाले में और आप बोर्ड करेंगे बड़नगर रेलवे स्टेशन से। चल लो करेंगे आप इंजॉय करें सबसे आप रतलाम जंक्शन आए हुआ दोस्तों। अपन इंदौर वाली लाइन से तो अपन आ ही रहे हैं और अपन बढ़ेंगे अपन दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर। और दोस्तों इंदौर वाली जो लाइन है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है और अपन डबल लाइन पर बढ़ेंगे हम। और यहाँ से 130 km पे हाई स्पीड एक्शन के साथ बहुत चीज़ें देखने को मिलेगा, स्किप सब। और मिलते हैं आपसे और इन्जॉय करें इस अनाउंसमेंट को। क्या कमेंट करें आदमी सबके पहले आधे क्या करते हैं प्लेटफॉर्म 4 ये देखिए मेन लैंड पर आ रहे हैं और अपन को क्यू ट्रैक वाली लाइन भी आपको आगे देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे लाइन क्यू ट्रैक पर मिलते हैं आपसे। दोस्तों रतलाम जंक्शन जमशेदपुर बोलते हैं इंदौर वाली लाइन सब बनाए हैं और दिल्ली मुंबई में लाइन पर अपन बढ़ चुके हैं। और जो ऊपर जो पूरे ट्रैक जाता हुआ देख लो, ये मंसूर वाली लाइन है और आगे जाके वहाँ चित्तौड़गढ़ होते हुए, उदयपुर होते हुए, अजमेर होते हुए आप इस रास्ते से भी दिल्ली जा सकते हो। और मिलते हैं आपसे। दोस्तों नागदा जंक्शन को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से उज्जैन की भी लाइन गई है यहाँ से, और अपन सीधे निकल जाएंगे दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर कोटा के वहाँ। मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। आएगा नहीं, आएगा ना। दोस्तों अपन स्लोली सोमला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका हॉल्ट तो है नहीं, जो उज्जैन वाली है ना उसका हॉल्ट है यहाँ पर, वो आप रतलाम वाली पे आ रहे हैं इसमें यहाँ हॉल्टिंग है और येलो सिग्नल है, इसलिए अपन स्लोली यहाँ पर स्किप करें सोमला रेलवे। दोस्तों रामगंज मंडी जंक्शन इसलिए बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से भोपाल के लाइन का काम चल रहा है और ये जूनाखेड़ी तक बन चुकी है, इसलिए यहाँ को रामगंज मंडी को जंक्शन इसलिए कहते हैं दोस्तों। इसको दिखा नहीं सका क्योंकि लाइन निकल गई राइट की तरफ, राइट में थी लाइन और मैं जा नहीं पाया वहाँ तक। और अगर आपको देखनी है तो दिखा दूँगा मैं और वीडियो मेरे पास। मिलते हैं ऐसी और मिलते हैं आपसे कोटा जंक्शन आया मेरे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कोटा जंक्शन का अरावल क्यों लिया, तो ऐसी बात हुई दोस्तों। ये मैं बैठा था विंडो साइड में और अंकल जी को खाना खाना था और हमको जाना था कोटा जंक्शन पर, तो अंकल जी ने बोला कि मेरे को खाना खा लेने दो, तो मैं खाना खा लेंगे जल्दी और मैं बैठ जाऊँगा वापस अरावल लेने के लिए। लेकिन हुआ कि बता, तो अंकल जी उठे ही नहीं। इमोशनल डैमेज। इसके बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। दोस्तों जर्नी में ऐसा होता रहता है और मिलते हैं आपसे ऐसी ही नए वीडियो का, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना था। अपन को 1K भी करने हैं, 5 सब्सक्राइबर के 4 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है अपन दोस्तों।